बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लिया 2 कप्स, यानी कि मैदा 2 कप, पाउडर्ड शुगर 2 कप, यानी कि पिसी हुई चीनी 2 कप, ऑयल कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं 1 कप। यहाँ पर मैं एग यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 8। मैंने एग योक और एग वाइट सेपरेट कर लिया है। 8 अंडे, इसकी जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर लें। बेकिंग पाउडर 4 टीस्पून, यानी कि 4 चाय के चम्मच। बेकिंग सोडा 1.5 टीस्पून, यानी कि 1.5 चाय का चम्मच। वनीला एसेंस 2 टीस्पून। यहाँ पे मैंने 1/2 कप हॉट वाटर में तकरीबन 1.5 टेबलस्पून US टेबलस्पून कॉफ़ी मिक्स कर ली है, यानी कि 1/2 कप पानी में, गर्म पानी में 1.5 खाने का चम्मच कॉफ़ी मिक्स कर ली है। और इसके अलावा यहाँ पे कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं तकरीबन 10 टेबलस्पून, ये 3/4 कप के इक्वल है, यानी कि 10 खाने के चम्मच। और इसकी डेकोरेशन के लिए मैं चॉकलेट यूज़ करूँगी। आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट या कोई भी मिल्क चॉकलेट। इसके अलावा यहाँ पे मैं सिरप यूज़ कर रही हूँ, चॉकलेट सिरप, ये तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। और इसकी डेकोरेशन के लिए मैं चेरीज यूज़ करूँगी। और जो इसका जो ये वाटर है, जो इसका पानी, इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून शुगर और 1/2 कप पानी डालकर इसका सिरप बना लूँगी। और यहाँ पे इसकी फिलिंग के लिए मैं यहाँ पर चेरीज का टिन यूज़ कर रही हूँ, और जिसके अंदर इसकी सॉस टाइप बनी हुई है वो भी इसके अंदर यूज़ करूँगी मैं। इसके अलावा इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है 700 मिलीलीटर, यानी कि 700 ml। और इसके अंदर मैं 1/3 कप पाउडर्ड शुगर ऐड करूँगी, यानी कि ये तकरीबन 4.5 टेबलस्पून, यानी कि 4.5 चम्मच के बराबर है, US चम्मच के बराबर। और यहाँ इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी। अभी मैं व्हिपिंग क्रीम को फ्रिज में वापस रख दूँगी, और जब मुझे इसको व्हिप करना होगा तो मैं इसको निकाल के व्हिप कर लूँगी। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे रेडी करना है। अब सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे, और उसके अंदर हम ये जो ऑल पर्पस फ्लावर, ये जो मैदा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको एक स्ट्रेनर में डालकर, और ये कोको पाउडर का भी ऐड करके हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ये बाकी ये जो बेकिंग पाउडर और ये जो बेकिंग सोडा था, इन सब चारों चीज़ों को हम इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे, ताकि जब हम मिक्स करेंगे बैटर तो बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ बैटर रेडी होगा हमारा इंशाल्लाह। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी और हम बाकी चीज़ें रेडी करेंगे। अब मैंने एक बोल में एग वाइट डाल दिए, यानी कि सफ़ेदी, और मैं इसको बीट कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी करके शुगर यानी कि चीनी ऐड करती जाऊँगी और उसको बीट करती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ही मैंने सारी शुगर ऐड कर दी है, यानी कि चीनी, और बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब मैंने इसके अंदर चीनी मिक्स कर ली है, और अब इसके अंदर मैं दो ये जो जर्दियाँ हैं ये ऐड करती जाऊँगी और इसको बीट करती जाऊँगी। इसके अंदर जर्दी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही ये ऑयल ऐड कर रही हूँ, 1/2 अभी ऐड कर रही हूँ और उसको मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद 1/2 बाद में ऐड करूँगी। ये बाकी का ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इस मिक्सचर के अंदर ये जो मैदा और कोको पाउडर वगैरह वाला ये जो ड्राई मिक्सचर था, ये ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इसको मिक्स करते जाएंगे, को फोल्ड करते जाएं।
इसी तरह मैं ये सब थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी और इसको फोल्ड करती जाऊंगी। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। अब मैंने इसके अंदर जो ड्राई मिक्सचर है वो मिक्स कर दिया है। अब ये जो कॉफ़ी है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 to 6 टेबलस्पून ऐड करूँगी मैं इसमें। मैंने ये केक मोल्ड ले लिया है 26 सेंटीमीटर का, यानी कि 10 इंच, और इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं बटर पेपर लगा दूँगी, आप इसके साइज़ का काट लें और इसमें इसको फिक्स कर दें। अब इसके अंदर मैं बैटर जो रेडी किया था वो डाल दूँगी। अब इसको आप अच्छे तरीके से टैप कर लें ताकि जितने भी इसके अंदर बबल्स हैं वो सब निकल जाएं। और मैंने ओवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया है और इसको तकरीबन 50 to 60 मिनट बेक कर लूँगी और उसके बाद चेक कर लूँगी, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। केक हमारा रेडी हो गया। ऊपर से मैंने इसको इवन कर दिया, जो उसकी अनइवन ऊपर लेयर थी, कट करके। और यहाँ पे मैंने ये मार्क कर लिया है क्योंकि मैं इसको दो पार्ट्स में कट करूँगी। ये टूथपिक से मैंने इसको मार्क कर लिया है और ये मेरे पास केक का कटर है, तो मैंने इसको लास्ट पॉइंट पर रखा है और इसको मैं कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर से ये पार्ट कट कर लिया है। अब मैं इसी तरह ये भी कट कर लूँगी जो मैंने मार्क किया हुआ है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। केक को मैंने 3 इक्वल हिस्सों में कट कर लिया है। अब मैं इसका चेरी सिरप रेडी करूँगी और साथ क्रीम व्हिप्ड कर लूँगी। चेरी में से जो वाटर निकला था वो मैंने इस पैन में ऐड कर दिया और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें पानी आधा कप, और अब इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम बस 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे। इसको मैंने 2 मिनट के लिए कुक कर लिया और ये अब हमारा सिरप रेडी है। अब मैं व्हिपिंग क्रीम को व्हिप्ड कर लूँगी। ये जो बोल था मैंने हाल ही पहले फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 30 to 40 मिनट, अब फिर मैंने इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम ऐड की है। अब मैं इसको व्हिप कर लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करने शुरू करूँगी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखिए अच्छे तरीके से जो क्रीम है व्हिप्ड हो चुकी है। ये मैंने इसके साथ ये आइस बैग रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से व्हिप्ड हो जाए। अब हम केक की डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। अब मैं डेकोरेशन के लिए चॉकलेट ग्रेट कर रही हूँ। चॉकलेट को यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी और हम केक की डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। केक का मैंने एक पार्ट ले लिया और सबसे पहले इसके अंदर ये जो हमने सिरप रेडी किया था वो लगाएंगे इस पर। अच्छे तरीके से लगा लें। ये लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इससे केक जो बहुत सॉफ्ट बनता है। मैंने यहाँ पे मिक्स कॉकटेल भी ले लिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आप ना डालना चाहें तो आप सिर्फ चाय भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है केक के अंदर, तो इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। इसमें से थोड़ा सा जो सिरप है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, ये जो हम लोगों ने चेरी सिरप बनाया था। अब इसके अंदर ही मैं चेरीज़ ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो हमने व्हिप्ड क्रीम की थी जो मैंने फ्रिज में रख दी थी, अब ये इसके ऊपर हम सेट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मैंने व्हिप क्रीम इसके ऊपर लगा दी है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है मैं इसके ऊपर रखूंगी। अब इसके ऊपर हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो हमने नीचे किया था। सबसे पहले हम सिरप इसके ऊपर लगाएंगे। मैंने इसके ऊपर कॉकटेल और चेरीज लगा दी हैं। अब मैं इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा दूंगी। इसके ऊपर व्हिप क्रीम मैंने लगा दी। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो उसके ऊपर मैं फिक्स करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर भी मैं सिरप लगा दूंगी। अब इसके ऊपर मैं जो व्हिप क्रीम है इसे इसको डेकोरेट कर लेंगे। व्हिप क्रीम मैंने केक के ऊपर स्प्रेड कर दी। अब इसके ऊपर चॉकलेट से इसको डेकोरेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है और इसके अंदर ये जो व्हिप क्रीम है ये ऐड कर लेंगे। अब इससे आप डेकोरेशन कर लें। इसको हम ऐसे डेकोरेट कर लेंगे। अब इसमें मैं चॉकलेट से इसको डेकोरेट कर दूंगी। अब आप चेरी से डेकोरेट कर दें इसको। अब मैं इसको फ्रिज में रखकर सेट कर लूंगी और उसके बाद आपको कट करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको केक कट करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी है। जाने से पहले एक हदीसे पाक आपसे शेयर करती चलूं। हज़रत अबू सईद खदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के सर का दर्द और वो कांटा जो इसे चुभता है या और कोई चीज़ जो इसे तकलीफ़ देती है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी वजह से इस मोमिन का एक दर्जा बुलंद फरमाएंगे और इस तकलीफ़ के बायस उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।